दोस्तों आप सब लोग देखे होंगे बी पैनल में जो बीएफडी लगता है उसका जो आना लोग आउटपुट वाला लगता है उसमें हमारा आउटपुट का जो आउटपुट सिग्नल रहता है आना लोग आउटपुट का उसमें एक छोटा सा डिवाइस लगा रहता है इस तरह का जिसको ट्रांसमीटर बोलते हैं ट्रांसड्यूसर बोलते हैं कोई कोई उसको आइसोलेटर भी बोलते हैं तो इसको एक्चुअली जो है ये देखिए आइसोलेटर है जो कि ट्रांडोसर का काम करता है यहाँ पे यहाँ पे टी आर वन टी आर टू करके लिखा है तो उसका काम ये है कि इसमें जो सप्लाई नॉर्मली रखा जाता है हमारा कंट्रोल सप्लाई उसका ड्रॉ डायग्राम भी दिया हुआ है यहाँ पे तो उसको क्या किया जाता है कि कंट्रोल सप्लाई दो सौ तीस बोल का देते हैं ऑपरेशन के लिए और उसके बाद उसमें एक इनपुट का सिग्नल नीचे जो राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा ये मेन इनकमिंग सप्लाई उसका चलने के लिए ऑपरेशन के लिए तो उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक इनपुट आई लिखा हुआ है उसके नीचे यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करते हैं कि कोई सिग्नल फोर ट्वेंटी मिलियापियर हो गया यहाँ पे जब देख सकते हैं तार लगाए हुआ है दो तार लगाया हुआ है प्लस व माइनस का उसमें फोर ट्वेंटी मिलियापियर जो आना आउटपुट निकलता है बी से हमारा फील्ड में या फिर डी में देखने के लिए तो दो जगह हमारा यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होता है यहाँ पे देख सकते हैं आउटपुट वन आउटपुट टू लिखा है एक इनपुट को दो हिस्से में ये डिवाइड करता है तो ये हो गया ट्रांडूसर तो यहाँ पे क्या होता है कि जो इनकमिंग में फोर ट्वेंटी मिलियन पेयर जितना आता है मान लीजिए फोर आ रहा है तो ये उसको दो जगह पे भेजेगा वही फोर और फोर करके मतलब एक डी पे भेजेगा एक एलसीस पे भेजेगा अगर इसके जगह हम डायरेक्ट टी बी लगा के जैसे हमारा टर्मिनल ब्लॉक रहता है वैसा भी लगा के अगर डिवाइड कर देते एक इनपुट लाके के वहाँ से हमारा लूप करके डबल दो जगह दे देते तो अगर फोर मिलियन पेयर हम भेजते हैं यहाँ से इनपुट में तो दो जगह पैरेलल होके कम हो जाता है दो दो मिलियापियर दो मिलिया पीटर ऐसे डिवाइड हो जाता तो हमको दोनों जगह सेम सिग्नल भेजने के लिए ये जो इसको रिपीटर भी बोलते हैं और इसको आइसोलेटर भी बोलते हैं इसको ट्रांडूसर भी बोलते हैं तो ये क्या करता है जो इनपुट वो हमारा मिलियापीयर का सिग्नल आएगा उसको ये सेम रख के दो जगह पर डिवाइड करेगा तो एक एल पे जाएगा एक डी पे जाएगा तो यहाँ पे दो लगा हुआ है एक करंट का फीडबैक के लिए एक स्पीड का फीडबैक के लिए दोनों जगह के लिए और एक यहाँ पे उसके ऊपर जो दो आउटपुट है आउटपुट वन और आउटपुट टू ये दोनों हमारा लगा रहा है एक एल में जा रहा है जहाँ पे मोटर के पास स्पीड मीटर या करंट मीटर रहता है उसमें दिखाने के लिए एक जा रहा है हमारा पी या डी को वहाँ पर हमारा कंप्यूटर में दिखाने के लिए मतलब जो एच में दिखना दिखाने के लिए तो इस तरह से ये क्या करता है उसमें एडजस्टमेंट करने के लिए भी दिया हुआ है और थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है कम ज़्यादा तो ये जेड में जीरो वाला एडजस्ट कर सकते हैं इसमें में स्पान वाला एडजस्ट कर सकते हैं और फोर मिली पेयर हम दे रहे हैं तो ऊपर फोर मिली पेयर अगर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है देख के मल्टीमीटर लगा के इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं उसको जैसे हमारा रहता है तो ये दोनों के लिए दिया हुआ है तो ये क्या करता है इनपुट एक आया तो उसको ये दो हिस्से में डिवाइड किया विदाउट लॉसिंग इट्स वैल्यू मतलब तो इसका जो भी मिली मिलियनपियर वैल्यू आ रहा है उसको मिस ना करके या डिवाइड ना करके उसको सेम रख के दो हिस्से पर डिवाइड करता है मतलब तो तो चार मिली पियर आया इनपुट तो आउटपुट भी दोनों जगह चार मिलियनपियर चार मिलियनपिय जाएगा इसको नहीं लगाएंगे तो टीवी में अगर कर देंगे तो दो जगह दो मिली पेयर दो मिली पे जाएगा तो इसके से सिग्नल लॉस होता है इसको हमारा नहीं करने के लिए सिग्नल लॉस नहीं होने के लिए ये ट्रांसड्यूसर लगाया जाता है तो इसी तरह से हम सभी वी एफ डी पैनल में आप देखे होंगे इस तरह का हमारा लगता है तो ये हो गया हमारा एक वी एफ डी पैनल ए बी वी का हो सीमेंट्स का हो कुछ, कोई भी किसी का भी हो पैनल तो ये हमारा आइसोलेटर जो रहता है ट्रांडोसॉरी बोलते हैं इसको ये हमेशा हमारा इनपुट सिग्नल या फिर आउटपुट सिग्नल भी लगा सकते हैं दोनों जगह भी यूज़ होता है ये और इसी तरह का सेम भी आता है जिसमें फोर ट्वेंटी मिलियापीटर से जीरो टेन वोल्ट भी कन्वर्ट कर सकते हैं